Hello students, today I am present here with a elements of art and activity 1, line art food chain. The elements of art are the tools that an artist uses to make an artwork. In 7 elements ke through jo hai na artist apna artwork karta hai. The first elements line, vertical line, horizontal line, diagonal line, curve line. Different lines ke through jo hum apna artwork करते हैं. नेक्स्ट फॉर्म ऑलवेज 3 डायमेंशन, हाइट, विड्थ एंड डेप्थ, यानी कि इसको हम 3D भी बोलते हैं. टेक्सचर, रियल टेक्सचर एंड इम्प्लाइड टेक्सचर. रियल टेक्सचर क्या होता है हमारा, इट कैन टच एंड फील, यानी कि हम उसको टच करके फील करते हैं, वो हमारा रियल टेक्सचर है. एंड इम्प्लाइड टेक्सचर, इट कैन टच एंड नॉट फील, यानी कि वो टेक्सचर हम देखते देखते हैं, जब हाथ से उसको जो है टच करके फील नहीं करते हैं, वो क्या आएगा हमारा, इम्प्लाइड टेक्सचर. शेप, शेप ऑलवेज 2 डायमेंशन, हाइट एंड विड्थ. नेक्स्ट हमारा कलर, कलर प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर एंड टर्शियरी कलर. वैल्यू, कोई भी हम एक कलर लेते हैं तो उसके डार्क, मीडियम एंड लाइट उसके जो है ना शेड्स होते हैं, तो उसकी उस कलर की वो एक वैल्यू हो गई. नेक्स्ट स्पेस, सी हेयर, ये जो ब्लैक सर्कल है ये हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव स्पेस, और ये जो वाइट सरफेस है ये हमारा क्या आएगा, हमारा नेगेटिव स्पेस. ओके, नाउ एक्टिविटी 1, फर्स्ट वी राइट हेयर डेट, डे एंड CW, यानी कि जिस दिन हमें आप जो है आर्टवर्क मिलेगा उस दिन की हमें डेट, डे एंड CW ये हमें लिखना है. जब भी आपका आर्ट पीरियड आता है तो उसी टाइम जो है आप यहाँ पे अपना डेट, डे एंड CW. फूड चेन, ये हमारा एक साइंस से रिलेटिव एक टॉपिक भी हमें सीखने को मिलता है इस एक्टिविटी के थ्रू. ओके, और हम ये जो है लाइन हमारा फर्स्ट एलिमेंट है जो कि हमने अभी जो है लर्न किया था, तो यहाँ पे हमें ये सेंटेंस भी जो है रीड कर सकते हैं. लाइन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आर्ट, मेक द शेप एंड फॉर्म. तो यहाँ पर भी इन्होंने डिफरेंट लाइन बताई हैं, थिक, थिन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सॉलिड, डस्टेड, स्ट्रेट, कर्व. तो इन जो है ना लाइन्स का जो है आर्ट वर्क में हम यूज करते हैं. तो ये जो शेप्स दी हुई हैं इनके अंदर आपको जो है डिफरेंट लाइन का यूज करना है, कलर यूज करना है और इनको स्केल की हेल्प से फिल करेंगे. सो वी नीड रिसोर्स एंड टूल्स, आर्ट बुक, इरेजर, स्केल एंड पेंसिल. अब जो हम स्केल की हेल्प से इसमें कोई भी आप अपनी च्वाइस से अपनी लाइन यूज करेंगे, जैसे मैंने ये डायगोनल लाइन यूज की है, तो कंप्लीट एक शेप के अंदर आपको ये डायगोनल लाइन से इसको फिल करना है. कलर भी आप जो है डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, स्केच कलर, पेंसिल कलर, एज यू विश. इस पूरे लाइन के अंदर आपको जो है ये डायगोनल लाइन ही ऐसे हमें इसको फिल करना है. फॉर एग्जांपल जैसे ये टेल आ जाती है, तो टेल के अंदर भी आपको यही डायरेक्शन जो है इसकी स्केल की रखनी है और इसको इस तरह से ये फिल करते जाना है. ओके, फिर रेनडियर है तो इसमें आपने जिगजैग लाइन यूज कर ली है, ऐसे वो कर सकते हो आप, जैसे इसमें कर्व बता रखा है, डस्टेड बता रखा है, सॉलिड बता रखा है, वर्टिकल है. तो ये 3 जो शेप हैं, जैसे ट्री है इसमें हमें जिगजैग यूज कर ली हैं, ठीक है, क्योंकि जिगजैग अच्छी लगेंगी. और इसके रेनडियर के अंदर हमने जो है हॉरिजॉन्टल लाइन हमने यूज कर ली है. तो जैसे ये है इसकी हॉर्न, तो हॉर्न के अंदर भी आपको हॉरिजॉन्टल ही जो है स्केल की हेल्प से इसको फिल करना है. सन,
सन के अंदर हमने येलो कर दिया है, है ना, फिर हम उसकी रेज जो है इस तरह से जो है कलर से ऑरेंज कलर से इस तरह से हम उसको शो कर सकते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट्स हमारा क्या है, लाइन है, तो उसी लाइन के थ्रू जो हमने ये जो है डिफरेंट डिफरेंट शेप जो है हमें डिफरेंट डिफरेंट लाइन के थ्रू उसको कंप्लीट करना है। ओके, तो आज हमने क्या लर्न किया है, थ्रू दिस एक्टिविटी वी विल लर्न अबाउट एलिमेंट्स ऑफ आर्ट एंड लाइन आर्ट फूड चेन, यानी कि लाइन के थ्रू जो है हमने एक फूड चेन जो है एक साइंस का टॉपिक है वो भी सीखते हुए जो है हमने अपना आर्ट वर्क कंप्लीट किया है। लाइन के डिफरेंट डिफरेंट लाइन का यूज करते हुए हमने ये एक्टिविटी की है। ओके, थैंक यू।